हम तो कहें कि सुपौल में सब बा, हम 8 साल से सुपौल में रहते नहीं और धीरे धीरे सब होत जात बा। पुरस्कार से सम्मानित हमारे बहुत विद्वान शिक्षक है और सामने भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिहार में तो अगर सुपौल में कहे तो सौरभ सुमन बा, इससे पहले भी बहुत। नमस्कार, मैं हुरिंकेश्वर, आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं कि 33वां सुपौल का जिला स्थापना दिवस है और मैं अभी सुपौल में हूं, तो लगातार मैं आपको इंटरव्यू दिखा रहा हूं। अभी मैं आपने देखा होगा महिलाओं का मैंने यहां इंटरव्यू किया जिन्हें सम्मानित भी किया गया था। हमारे पीछे दो ऐसे महान टीचर है, एक मैं आपको बता दूं सौरभ सुमन सर जिसे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन्हें अच्छी शिक्षा के लिए। विज्ञान के क्षेत्र में हमारे जितेंद्र सर काफी मेहनत कर रहे हैं लगातार, तो सर जानना चाहेंगे आज जिला स्थापना दिवस है क्या कहेंगे इसके बारे में। सबसे पहले तो सुपौल जिला स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सुपौल के तमाम वासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि सुपौल जिला नित्य नए आयामों को छू रहा है, विकास के हरेक पैमानों पर आगे प्रगतिशील है। और खास करके हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो जिस तरह से पहले सुपौल शिक्षा में थोड़ा पीछे था, अब हरेक क्षेत्र में शिक्षा का हो या शिक्षा में भी नए नए तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। शिक्षा में अगर चिकित्सा महाविद्यालय खुल रहे हैं जिला में, जो जिला के लिए बहुत ही गौरव का पल है और ये सुपौल के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, महिलाओं के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला है। इस तरह से हम लोग देखें तो मतलब आंगनबाड़ी से लेकर और उच्च शिक्षा तक हर एक चीज़ में सुपौल जिला नित्य प्रगति की पथ पर अग्रसर है और इसके लिए हम सुपौल जिला के तमाम वासियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। क्या बात है सौरभ सुमन सर, क्या कहेंगे सर, आप तो पीएम सीएम सब जगह से आपने सम्मान पाया है और यहां आके कैसा लग रहा है सर, सुपौल के बारे में क्या कहेंगे आप? सुपौल के स्थापना दिवस पर सबको शुभकामनाएं और बहुत खुशी हो रही है। सारे सम्मान के बाद जब घर में सम्मान मिलता है उसकी बात अलग होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और डीएम साहब ने सम्मानित किया और मेरे स्कूल आने का इच्छा जाहिर किया, ये सुनकर और उत्साहित हूँ कि सर बोले कि मैं स्कूल आऊँगा आपके। और यहाँ के जितने भी हमें शिक्षा से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिलता है हम लोगों को और वो डायरेक्ट हम लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं, कोई भी हम लोग के प्रॉब्लम मोटिवेट करते हैं वो लोग और स्कूल से लेके स्कूल के प्रिंसिपल से लेके सभी शिक्षक काफ़ी अच्छा मतलब हम लोग का सपोर्टिंग सबका व्यवहार है जिसके कारण ये अचीवमेंट होता है। तो मैं फिर से सबको शुभकामना देना चाहूँगा और आपके चैनल को भी धन्यवाद। एक टर्म है सर काबा, जो अभी पूरा फेम में है हर तरफ, तो मैं चाहूंगा सर सुपौल में काबा टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले तो देखिए सुपौल में ऐसे बहुत से हैं जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हमारे बहुत विद्वान शिक्षक हैं और सामने भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिहार में तो अगर सुपौल में कहे तो सौरभ सुमन बा, इससे पहले भी बहुत सारे शिक्षकों को मिला है और हमारी बेटियां भी अभी नेशनल, जैसे कि आज डीएम साहब के द्वारा पुरस्कृत हुए, नेशनल लेवल पर गई हैं। तो सुपौल में बहुत कुछ है, बहुत कुछ हुआ। आप क्या कहेंगे सर, सुपौल में क्या बात? ये तो मैं भोजपुरी क्षेत्र से आता हूँ, मेरा घर छपरा है, तो हम तो कहें कि सुपौल में सब बा, हम 8 साल से सुपौल में रहते नहीं और धीरे धीरे सब होत जात बा। क्या बात, बिल्कुल अच्छा लगता है जब अभी सर ने एक अच्छी बात कही कि सब जगह से मिलता है, जब घर में आपको सम्मान मिलता है तो अच्छा लगता है। बिल्कुल जिला स्थापना दिवस है और जिला स्थापना दिवस पे मैं भी आपको कहूंगा, आपके मन में भी अगर कोई आपने भी अच्छा काम किया है अपने सुपौल जिला के लिए, अपने जिला के लिए, तो आप भी हमें कॉमेंट के माध्यम से बताएं और हम आपको अपना नंबर साझा करेंगे, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बाकी मैं हुरिंकेश, आप देख रहे थे एसएम न्यूज लाइव। धन्यवाद।